नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बालूलादा अनियंत्रित ट्रक पलटा, 3 मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त। ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बचे, चश्मदीद ने बताई कैसे बची जान। नवनिर्मित चौकिया तेंदुआ मार्ग पर हुआ हादसा, सड़क किनारे फुटपाथ का नहीं होना हादसे का कारण। जाके रखो साइया, मार सके ना कोई। अमन बर्नवाल की 2 और संजय सिंह की 1 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त। खबर जनपद बलिया के बेलथरा रोड से। स्थानीय कृषि मंडी के पास स्थित रवि स्टूडियो के ठीक सामने क्षमता से अधिक बालू लदे ट्रक के पलट जाने से 3 मोटरसाइकिलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। सुबह के समय कृषि मंडी अधिकतम व्यस्त रहने वाला स्थान है। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लोगों ने कहा, जाके राखो साइया, मार सके ना कोई। इसका अर्थ यह है कि जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुर्घटना में बाल बाल बचे अमन बर्नवाल ने बताया, अभी वह गाड़ी खड़ा कर रहे थे तभी अचानक ट्रक पलट गया। सुने अमन बर्नवाल ने क्या कुछ कहा। वार्ड नंबर 4 का हूँ मैं और मेरे पिताजी, हम दोनों लोग इलायची काम से आए थे और हमें पिताजी हेड करने के लिए आए थे विनोद सिंह से, और फिर तुरंत जाने वाले थे। वो अपनी गाड़ी से आए थे, हम अपनी गाड़ी से आए थे। हम लोग दोनों लोग खड़े थे, उन्हीं का वेट कर रहे थे और तब तक गाड़ी ट्रक आई और डिसबैलेंस हुई और डिसबैलेंस होकर ये ट्रक गिर गई यहाँ पर। हम लोग 2 सेकंड देरी ये बिना हम लोग वहाँ से हट गए, तो हम लोग इसमें दब गए रहते और हमारी दोनों गाड़ियाँ इसी में दबी हुई। कितने बजे ये हादसा हुआ है? ये हादसा कल आधा घंटा पहले हुआ है। आधा घंटा पहले तो यहाँ पे सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी और लोग थे? नहीं, और लोग नहीं थे, हम थे, हमारे पिताजी थे। एक बगल में जो चक्की की दुकान है वो थे, हमारे पिताजी से जानते थे, वो आए थे बात करने के लिए, वो भी हट गए, गाइड हो गए, हम दोनों हट गए। जब ये हादसा हुआ तो इस तरह का, जब आपकी बाइक दब गई तो आप लोग उस समय कितने दूरी पे थे इससे? हम लोग ट्रक के पास ही थे, अपने बाइक के पास ही थे। बाइक के पास? तो मतलब आप लोगों ने तत्परता दिखाई है। अगर जल्दबाजी नहीं दिखाई होती तो आप लोग के साथ भी हो सकता। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ओवरलोड ट्रक UP54D 148/12 जो बालू लेकर मधुबन जा रही थी, किसी गाड़ी को पास देने के चक्कर में सड़क किनारे मिट्टी डालकर फुटपाथ नहीं होने के कारण यह घटना घटित हुई। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा चालक व खलासी को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। घटना के बाद चालक व खलासी फरार बताए जा रहे हैं। घटना के बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई है। एक और चश्मदीद जिनकी दुकान वहीं पर है, वह दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहे थे, उसी समय ओवरलोड ट्रक पलट गया। उनकी 1 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। ट्रक के नीचे दबी मोटरसाइकिल को खींचकर निकाला गया, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दुकानदार संजय कुमार सिंह ने घटना को लेकर रोड ऊंचा होने के बाद छूटे गड्ढे को दुर्घटना का कारण बताया। ठीक है, नाम अपना बताइए। संजय कुमार सिंह। इस समय आप कहाँ हैं? इस समय हम कृषि मंडी मधुबन रोड दरथा बलिया। यहाँ पे एक ट्रक, बालू लदा ट्रक गिरा हुआ है, इस तरह से ये हादसा हुआ। ये ओवरलोड बालू लेके आ रहा था, एक ट्राली को पास देने में एकाएक जो है पलट गया। तो आपकी दुकान ये यहीं पे है? जी, हमारी दुकान है जी। आपके तो सामने ये हादसा हुआ है? जी। अच्छा, तो आपने क्या देखा इसमें? हम जो है बाहर निकाल के अपना सफाई कर रहे थे, एकाएक ट्रक आया और पास देने में पलटी मार के नीचे गिर गया जी। भाग ये है, कोई घायल नहीं, बस खाली 3 बाइक ही क्षतिग्रस्त हुआ है। 3 बाइक इसके नीचे दब गई है, 2 उधर है एक इधर। सड़क किनारे मिट्टी न होने की वजह से ट्रक पलटी है। अच्छा, यहाँ गड्ढा है जी। गड्ढा सड़क ऊंची है और नीचे जो है 2.5 फुट गड्ढा है। बार बार कहा जा रहा था सड़क के दोनों ओर जो है मट्टी पाट दिया जाए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है, और आज जो है घटित हो गया। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।